ये मुंबई शहर 60 सालों में कई ऐसे कठिन दौर से गुजरी है, लेकिन मुंबई पुलिस के जोश के आगे कोई टिक नहीं पाया। बड़े बड़े क्रिमिनल्स और डॉन को भागने पर मुंबई पुलिस ने मजबूर कर दिया। कहा जाता है मुंबई हादसों का शहर है, लोग यहाँ सड़कों पर सोते हैं, और अगर गलती से भी सलमान खान की गाड़ी के नीचे आ गए तो एक सेलिब्रिटी रातों रात दोषी हो जाता है। मुंबई की चमक में किसी को वफा तो किसी को मिलती है बेवफाई। कोई तन्हा होकर चुकाता है इसकी कीमत, तो कभी सबको अपनाती है ये मुंबई, तो कभी अनकही अनसुनी और अजनबी सी कहानी कहती है ये मुंबई। सर गाड़ी तो मिल गई, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं है सर। राहुल 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 भागने की कोशिश मत करना, आज तुम लोगों की वजह से सारे बड़े शहर में आग लगी हुई है। साहब हम सब आग लगाते नहीं, आग बुझाते हैं। Go and at least change this, change your mood, change it. Daddy, I don't want. मेरे को एक बार इसको छू के देखने दे रे बाबा, देखता हूँ। तुम्हारी गलती सिर्फ ये है कि तुम सपना से प्यार करते हो। तुम सपना को छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसको कानून का डर या उसकी दीवारें नहीं रोक पाती। ये वो कहानी है जिसने मुंबई और मुंबई पुलिस को जड़ से हिला दिया। एक हादसा, एक मर्डर, और बन गई मिस्ट्री। मिडसमर मिडनाइट मुंबई M3। आज रात कुछ गुंडे आए, उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ पांव तोड़ दिए और सीने में खंजर मार के मेरी हत्या कर दी।